हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल ऑफकोर्स, हाँ कह सकते हैं मेरा चैनल है। बस आगे देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। हम कानपुर आए थे मम्मी की दवा लेने के लिए, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो थोड़ा सा टूर शूर कर ले। तो हम अभी आए जेड स्क्वायर, कुछ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, उसके बाद फिर हमें जो काम है वो भी करेंगे। और जो काम था वो भी कर लिया है। बहुत होते दुनिया 20 मिनट में तो एक मिसाइल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाता। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर आई, देख कितनी अच्छी आई है यार, वाह। सो हमने बस एक आइस टी ली थी सबवे से, उसके बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हम ज़्यादा देर इधर उधर नहीं जाने के उससे हम सोच रहे थे कि हम यहीं पर बैठ जाए। और दीदी मेरी फोटो खींच रही है शायद। वाह वाह नाइस, मेरी कैंडिड भी देखो कितनी अच्छी है, मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा सा ओनली ओनली घूम लूँ, ओनली ओनली चलते हैं, लाइफस्टाइल चलते हैं, ट्रेंड चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो अच्छा लगा तो ठीक, वरना फिर कोई बात नहीं। और ये जो ड्रेस मैंने पहनी है इसका पूरा मैं बो दूंगी आपको। तो ये ड्रेस मैंने आज से कितने, एक साल पहले खरीदी थी। और कमी ही नहीं, कुछ तो कर रही है फिल्टर लगा के जी है। तो 2 साल पहले खरीदी थी दीदी की शादी के पहले, और इसको अब मैं पहन रही हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिला पहनने को, और सब मतलब कहीं नहीं पड़ा। तो क्या, ये ड्रेस मैंने ट्रेंड से खरीदी थी, यही जेड स्क्वायर के ट्रेंड से। गई थी क्या तुम उस दिन? गई थी मम्मी के साथ। चल गए, इसका दिखा दो। देखो मैम, कुछ नहीं खरीदेंगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरे नीड नहीं है फिलहाल इस समय कुछ भी। हमने अभी बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत कर लिए हैं, इसलिए नीड नहीं समझा। वी आर गोइंग वेट साइड। गाइज, ये 2 रुपए वाली चुस्की नहीं आती थी, उसको 20 रुपए में आइस पॉप करना। उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। नहीं नहीं, ये वही है बस, थोड़ा सा फ्लेवर लाए, बबल गम फ्लेवर्ड है। और ये वो, इसको आइस पॉप कहते हैं इंग्लिश में, इसका नाम रख दिया हम हिंदी में, इसको चुस्की कहते थे बचपन में, हमने बहुत खाई है ये। 2 रुपए की, 1 रुपए की लिटरली खाई है, और बहुत दूर जाते थे लेने, पीछे वाली कॉलोनी में। अब हम अपने अवतार पे हैं बिल्कुल, और अब जेड फोर में बहुत भीड़ हो रही है। हम यहाँ पे बहुत देर से बैठे, बहुत ज्यादा देर हो गई है यहाँ पे बैठे। ओके गाइस, तो हमारी बेबो आ चुकी है, और मैं और बेबो और हम सब लोग क्या खेलने जा रहे हैं? डम्ब्स। इन अ डिफरेंट वे, मतलब ये हम लोगों ने देखा था कहीं से लिया। ये हमने बहुत पहले लिया था, धीरू भाई लाया था। ये देखिए, रात में फोन चलाया जा रहा है, वो भी किस चीज से, मतलब ऐसे गूगल लगा करके देखा था। लाइट जल रही है लेकिन इतनी, मैं इतनी आलसी हूँ कि लाइट उठाऊं, उठ के बंद नहीं करूंगी, मैं चश्मा लगा के जलाऊंगी। हाँ हो गया गाइस, आए यो यो हनी सिंह, बसुड़न इन द हाउस गाइस, बसुड़न इन द हाउस। इसको चैन नहीं है, ये हर जगह मरती रहती है। कौन है जिसको? ये देखिए आया है सस्ता साहिद का फोन। अरे पागल ही का गाइस, हमारे घर में इतने लोग हो गए, तकिया पानी में तकिया भी ज्यादा हूँ। मेरा ट्राइपॉड देखो कैसे तोड़ा है दिव्या ने, मतलब पूरा उसमें मरम पट्टी करनी पड़ी है मुझे। देखो कौन सी है, मुझे टेप नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ बेबो हाय बोलो। दिव्या दीदी और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कितना अलग अलग लग रहा है बेबो। दिव्या दीदी इज लुकिंग लाइक अ काली व्हाइट मैन वुमेन, व्हाइट वुमेन। बताओ
कुछ ही नहीं तो अच्छा बेबो दीदी बेटी दी को घोर बेजती घोर बेजती घोर बेजती जबरदस्ती तुम एक लड़का के साथ चाइल्ड लेबर नहीं कर सकती हो। दीदी लाएंगी कुच्ची दे दो इन्हें कुच्ची। वाह वाह वाह। सो वी आर गोइंग टू मेक सम चिट्स फॉर दमशराज। सो चलो चलो बोलाओ। वी आर नहीं वी आर नहीं मतलब आई ओनली आई वी आर नहीं हमारे तक नहीं खेले खेलेगी। आई मेक फिल्म्स मतलब सॉरी मैं फिल्म्स के नाम लिखूंगी मैचेस बनाऊंगी बस बाउल में सब खेलने के लिए बैठे हैं। सो लेट्स गो। चिट्स बन चुकी हैं एंड वी आर गोइंग टू प्ले सम गेम। चलो गाइस चलो चलो ऐसे चक्की चलेगी ठीक है। चक्की ऐसे चलेगी सबसे पहले साथी दी साथी दी सबसे पहले ठीक है। चलो वन टू ऊपर बैठो रोन ऊपर बैठो भाई बेबू सामने मत आना। चार वर्ड है पहला वर्ड दादी तुम हाँ मैं नहीं बताऊंगी मैं नहीं बताऊंगी अब्दुल्ला ए मोहम्मद मुसलमान मोमडन और नहीं कर पा रही हो है ना इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ मैं देखो चार वर्ड पहला अल्लाह तुम लोग भी बता सकते हो तुम लोगों ने भी मूवी देखी होगी। दूसरा वर्ड क्या है दूसरा वर्ड है तुम तुम्हारे पापा के पापा कौन हुए दादा परदादा और क्या बोलेंगे तुम लोग उनको क्या बोलते हो ना गधेड़ी तुम्हारे बाप के बाप को क्या बोलती हो बाबा हाँ पर बाबा हाँ अच्छा बाबा बाबा ठीक हाँ अल्लाह बाबा है तैयार है 40 हाँ अच्छा वो मूवी है देखो देखो बहुत इजी मूवी है बहुत इजी मूवी है नागिन बनी नहीं नागिन नाची गली गली क्या करूँ मैं ये तो बहुत इजी है बताओ देखिए नहीं हीरो ने ये मुंह से ही बोल दे आप ये करो कि मुंह से एक दूसरे को बताओ है ना और फिर एक्टिंग करो चिप्स कितनी सच बताए मेरे घर में कब्ज की इतनी शिकायतें हैं ये मोड़ी आई है इसको भी कब्ज की शिकायत है और इन दोनों को तो नहीं है मेरी मम्मी को है नानी को है बहुत ज्यादा पॉटी की शिकायतें हैं इनको बेबो में बेबो इनको भी कब्ज की शिकायत है ये जो पेठा खत्म कर देना हमारे घर में पेठा लाए लाए परेशान तुम खाए खाए परेशान हो बस यही नागिन बिल्कुल तुम नागिन तुम्हारे नागिन के लिए सेट किया जाएगा आपके पास मिलना चाहिए कुछ मिले चाहे ना मिले बैठने की व्यवस्था हो चाहे ना कुछ मसाज चाहिए तुमको तेल वाली मसाज चाहिए दीदी को तेल वाली उठा दो ना वो चल नहीं है बेचारा उसे सबने चूस लिया है लाओ जा रहा हूँ बताओ तुमका एक से एक कमार है मेरे घर में वो पूरा टेंशन पाने के लिए बीच में बैठी आके तो काला हो तुम क्या तो क्या हुआ काला इंसान भी गोरा हो सकता है दिल से अरे अभी टैनिंग एनिंग है ना इसलिए नंगे पुंगे सब गेम में लगे हुए हैं कोई किसी काम का नहीं है देखो वो तो और ही बड़ा काम कर रहा है उसको देखो वो पबजी में लगा हुआ है कि फ्री फायर में फ्री फायर में ये पबजी वाले हैं और बेबो हमारी खेल रही है दिखा दो क्या ऑफलाइन वाली है देखिए बेबो क्या निकला आपके गिफ्ट में ओह माय गॉड सो अभी मैंने बहुत सारा ठंडा तेल लगाया है क्योंकि सर दर्द हो रहा था और अब मैं जा रही हूँ नहाने क्या मेरा भाई कमाता है लेकिन फिर भी कह रहा है मुझे ये दिला दो शॉपिंग करा दो ये दिला दो वो दिला दो ऐसा कर दो ऐसा कर दो कमाता है और आदत नहीं है नाइस तो क्या हुआ कमाता है तो ले ले खुद मेरे यहाँ ना यहाँ दाना हो गया तो होट ऐसे ऐसे लग रहा है वो कराई है लिप सर्जरी मीठे है नानी इन द हाउस
ओके आई एम सो सॉरी गाइज, आई होप यू लाइक माई टूटा फूटा ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत इधर उधर और पता नहीं कहाँ कहाँ की क्लिप्स कौन कौन से दिन की हैं, बट आई होप यू रियली इन्जॉयड एंड इफ यू डू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं अब जल्दी ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ और अपने चैनल पर रेगुलर भी रहूंगी, सो प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज, आई लव यू।